हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो हिंदी मीडियम के लिए इस चैप्टर का 2-3 लेक्चर अपलोड हो चुका है बच्चों। तो आज हम लोग मेनली इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। बस सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें सब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। जैसे हमें इसमें एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, कोलाइड के बारे में पढ़ना है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। तो सारा कुछ जो है कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो इसको करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स, दोनों में से कोई एक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री अगर बात करो कि ये है क्या, तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है बच्चों, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। तो अब इसमें हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है, तो पहले ध्यान से देखिए, आप इसका नाम को देखिए, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सरफेस का मतलब होता है किसी सॉलिड या लिक्विड का सबसे ऊपरी ऊपरी सतह, टॉप लेयर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस, ठीक है। तो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस का क्या नेचर होता है, उस पे कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री है क्या, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो द ब्रांच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द नेचर ऑफ सरफेस एंड एंड स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द नेचर ऑफ द सरफेस एंड स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। तो ध्यान से समझना, रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जो हमें बताता है किसके बारे में, नेचर ऑफ सरफेस के बारे में। नेचर ऑफ सरफेस यानी किसी के, किसी सॉलिड के या किसी लिक्विड के पृष्ठ के बारे में, सरफेस के बारे में जानकारी देता है, सरफेस के नेचर के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में, गुण के बारे में जानकारी देता है, एंड कौन कौन से स्पीसीज उस सरफेस पे प्रजेंट है, यानी स्पीसीज प्रजेंट ऑन इट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली सरफेस और उस पे प्रेजेंट जो सबस्टांस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब बात आता है कि सरफेस किसे बोलेंगे, ये क्या चीज है। तो देखिए, सरफेस किसे बोलेंगे हम लोग, तो द टॉप टॉप लेयर ऑफ ए सैंपल सब्सटेंस
सबस्टांस इज कॉल्ड इट्स सरफेस। तो किसी भी सबस्टांस का जो ऊपरी लेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस। जैसे यहां पे देखिए, एक बर्तन में मैंने लिक्विड डाल लिया, ठीक है, तो लिक्विड का ये सब जो देखो, ये वाला जो ये ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर, इसी को हम लोग बोल देंगे सरफेस, ठीक है। और इसी सरफेस के बारे में हमें क्या करना है बच्चों, स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो लिखिए इसको, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और हम बताते हैं कुछ। मेरे पास देखो एक सॉलिड सबस्टांस है, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, ये आपके काम का ही चीज है, देख के आप समझ सकते हो कि क्या है। तो अपने पास एक सॉलिड सबस्टांस है, अब बताओ हमें इसके सरफेस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, इसके पृष्ठ के बारे में, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है, इसका जो बाहरी सरफेस है, इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो बच्चों आप बताओ इसके सरफेस में ऐसा क्या खास बात है कि हम इसके बारे में स्टडी करें, इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े हम लोग, 10 दिन 12 दिन 15 दिन इस सरफेस पे, ऐसी क्या खास बात है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद समझ में आएगा कि इस सरफेस पे आखिर कौन सी ऐसी घटना होती है जिसके बारे में हम लोग को अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, मैं दो फिगर बनाता हूं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चल भाई दो फिगर बनाते हैं हम लोग। एक बर्तन लिए और इसमें डाल दिए, अभी कुछ नहीं डाले हैं, पकाओ मत, अब डाल रहे हैं, चलो एक दूसरा बर्तन लेते हैं, दो बर्तन में हम लोग कोई लिक्विड ले लिए हैं। अब इसमें देखो कि यहां पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो बीच का मॉलिक्यूल है बच्चों, इस पे हम लोग थोड़ा सा अपना फोकस करते हैं। बीच वाला जो ये टिकुली टाइप आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में, तो एक मॉलिक्यूल है जिसको थोड़ा हमने मोटा कर दिया है। अब इस पे ध्यान दो, इसके इधर भी मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल है बच्चों, और अलग इस लिक्विड के मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं। इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, यहां पे देखो इधर है, इसके बाद इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी चारों तरफ से ये क्या है, मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, आप जानते हो कि सब्सटेंस के, पदार्थ के, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो बताओ आप, ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से सभी डायरेक्शन से मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा हुआ है, तो जब सभी ओर से घिरा हुआ है तो सारे मॉलिक्यूल्स इस पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे। इसको छोटा ही कर देते हैं, चार तरफ केवल हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, चार तरफ, तो ये जो मॉलिक्यूल बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इधर से भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये अट्रैक्ट करेगा, और इधर से ये अट्रैक्ट करेगा, चारों तरफ के मॉलिक्यूल इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल विद इन लिक्विड,
ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के बिचले पार्ट में है, यानी बीच, बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, यानी ऊपर नहीं है, टॉप लेयर में नहीं है, अंदर में है लिक्विड के। तो जो अंदर वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल जो लिक्विड के बीच में होते हैं, अंदर होते हैं, तो वे मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्टेड बाई, अट्रैक्टेड ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस बाई बाई सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस बाई सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, तो वो चारों तरफ के मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट होगा, यानी ऊपर में भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नीचे में भी लगेगा, इधर लेफ्ट में भी लगेगा और राइट में भी लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब चारों डायरेक्शन से, सभी डायरेक्शन से इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, तो इस पे जो रिजल्टेंट पुल होगा, रिजल्टेंट जो खिंचाव होगा इस पे, वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, बिल्कुल नहीं इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज नील, इस पे रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, नील हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा इस पे अट्रैक्शन फोर्स, यानी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो टॉप में है, यहां पे है, इस वाले मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ध्यान से समझना। अब एक मॉलिक्यूल ले लिए जो लिक्विड के टॉप में है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, ये जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पे है, तो इस पे देखो अट्रैक्शन फोर्स किधर से लगेगा, इस पे इधर से लगेगा बच्चों, इधर से लगेगा और नीचे से लगेगा। क्या ऊपर से कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या ऊपर से कोई अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसके वजह से इस पे ऊपर से कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो टॉप में मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उस पे सिर्फ बिसाइड में, यानी अगल बगल वाले मॉलिक्यूल और जो नीचे वाला मॉलिक्यूल होता है वही अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और ऊपर का जो लेयर होता है वहां पे वो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, यानी इस पे जो ये फोर्स होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल है एक खिंचाव महसूस करता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इस पे अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है किसके किसके द्वारा खींचा जा रहा है, इस पे किससे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो लिख सकते हैं कि पुल्ड, पुल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ बिलो एंड बिसाइड, बिसाइड यानी कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है और जो अगल बगल वाला मॉलिक्यूल है वही इस पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इसके टॉप में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स अनबैलेंस होगा, रिजल्टेंट जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पे, यहां पे वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, यानी इधर वाला तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो ऊपर में कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो ये जो है, ये फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, द्रव के अंदर जो लिक्विड होगा बच्चों, किसी बर्तन में लिक्विड के वेल विद इन जो लिक्विड होगा का जो मॉलिक्यूल होगा,
अब चलो ध्यान से देखो, इधर सारी बात आपको समझाते हैं। देखो, अगर किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो उसके बीच का जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों, बीच का मॉलिक्यूल वो चारों तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होगा। ठीक है, इस लिक्विड के अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या होगा, घिरा हुआ होगा, और चारों तरफ से इस बीच वाले मॉलिक्यूल पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सभी ओर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है जो बीच में आप देख रहे हो, मॉलिक्यूल्स वेल विद इन लिक्विड, यानी ये जो है पूरी तरह से लिक्विड के बीच में है। ठीक है, जब बीच में है तो इस पे चारों तरफ के लिक्विड क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, तो अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, यानी ये वाला जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ये सभी डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया जा रहा है अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल के द्वारा। इसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों की, इस पे जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी रिजल्टेंट पुल जो इस पे हो रहा है, खिंचाव हो रहा है चारों तरफ से, तो चारों तरफ से खिंचाव हो रहा है इसलिए रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इस पे हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो, नील हो जाएगा, नील खत्म हो जाएगा। इस पे कोई भी रिजल्टेंट अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसके साथ है कहानी बच्चों, जो मॉलिक्यूल बीच में है। लेकिन देखो, जो मॉलिक्यूल टॉप पे है, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के टॉप पे है यानी सरफेस पे है, मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड का जो ऊपरी परत होता है, टॉप लेयर होता है, उसको सरफेस बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल देखो, ये क्या कहां पे है, ये सरफेस पे है। ठीक है ना, और इसी में सारी कहानी हम लोग को समझना है, क्योंकि नाम है सरफेस केमिस्ट्री, नाम जलेबी भाई नहीं, सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां पे टॉप पे प्रेजेंट है, तो अब देखो इस पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पे अट्रैक्शन फोर्स नीचे वाला मॉलिक्यूल लगाएगा, ये वाला लगाएगा, फिर अगल बगल में जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। क्या इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है, नहीं है। तो जब इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर से कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, यानी सरफेस वाला मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, अब ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल पुल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ बिलो, यानी नीचे के मॉलिक्यूल्स के द्वारा खींचा जा रहा है, एंड बिसाइड्स यानी जो अगल बगल के मॉलिक्यूल है उनके द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इस पे जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स होगा बच्चों, यानी जो परिणामी खिंचाव होगा, रिजल्टेंट खिंचाव होगा, वो अनबैलेंस्ड होगा, वो बैलेंस नहीं होगा। अगल बगल वाले एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए ऊपर में कोई नहीं है, तो इसलिए अनबैलेंस यहाँ पे फोर्स होगा, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये मॉलिक्यूल है एक टेंशन, सरफेस टेंशन महसूस करेगा, पृष्ठ तनाव महसूस करेगा, तीन तरफ से खींचा जा रहा है, एक तरफ से कोई है ही नहीं। तो होगा क्या कि अपना सरफेस टेंशन को ये समाप्त करने के लिए दिस मॉलिक्यूल है डिजायर टू टेक अप मॉलिक्यूल ऑफ गैस और एनी अदर सबस्टांस टू रिलीज सरफेस टेंशन। तो अभी क्या चाहेगा, इसके तीन तरफ से है और चौथा तरफ से कोई नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है कि कठिनाई महसूस कर रहा है। यहाँ पे इसका जो वैलेंसी है बच्चों फ्री है, फ्री, इसके तीन तरफ से है लेकिन चौथा तरफ से बिल्कुल फ्री है, कोई नहीं है। तो चाहेगा कि ऊपर से भी कोई एक मॉलिक्यूल आ जाता, किसी भी तरह के पार्टिकल का, जो ये जो अनबैलेंस है यहाँ पे, ये जो अनबैलेंस महसूस कर रहा है इसको समाप्त कर दे। ठीक है, तो इसके लिए ये जो मॉलिक्यूल है वो चाहता है कि कोई गैस का मॉलिक्यूल या किसी अदर सबस्टांस का मॉलिक्यूल आके और ऊपर से जुड़ जाए। ठीक है, और जुड़ने की जो घटना है, देखना आगे होगा भी, हम लोग पढ़ेंगे भी कि कोई गैस या मॉलिक्यूल का जो गैस या किसी अदर सबस्टांस का मॉलिक्यूल है ऊपर से आके जुड़ता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन का कहानी आगे चलेगा, लेकिन अभी आप समझ लो, दो चीज हमने बताया आपको कि जो बीच में मॉलिक्यूल होंगे वो चारों तरफ से अट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे बैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस पे किसी भी अन्य मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई एक नया कहानी की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि
बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे तो चारों तरफ से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ना इसको किसी चीज की जरूरत है ना कोई टेंशन है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि तीन तरफ से बैलेंस भैया, चौथा तरफ क्या कमी था कि ऊपर से कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो इसके वजह से क्या होगा कि ऊपर से, अब दिमाग लगाएगा कि ऊपर से कोई आ जाए जिसके वजह से ये अनबैलेंस हुआ है फोर्स में, वो समाप्त हो जाए और यहीं से आगे का कहानी शुरू होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर होता है, दोनों का नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी अलग होगा और इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा अब हम लोग देखेंगे आगे। यहां से तो ये क्लियर हो गया कि हाँ प्रॉपर्टी अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस नहीं है, ये कोर से ही खाली है। तो जब एक ओर से खाली है तो यहाँ पे कुछ हम लोग वर्क कर सकते हैं, जब वर्क कर सकते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी तो कुछ कुछ होगा, तो कुछ कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा। उतारो जल्दी से, मैंने आपको बताया कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनपे ऊपर में और कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो वे चाहते हैं कि कोई किसी भी गैस या किसी भी अदर सब्सटेंस का कोई मॉलिक्यूल आता और ऊपर से जुड़ जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आप किसी लिक्विड को या किसी सॉलिड को खुले में रख दोगे तो उसके जो उसका जो बाहरी पृष्ठ है जो सराउंडिंग के साथ अट्रैक्शन में है, जो सराउंडिंग के साथ अटैच में है, तो वहां पे बाहर से सॉलिड या लिक्विड या गैस के पार्टिकल उसके सरफेस पे जाके जमा हो जाते हैं, उस पे अट्रैक्ट होते हैं, और इस घटना को बोलते हैं हम लोग बच्चों एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन क्या होता है तो लिखो आप लोग, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो देखो, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जैसे देखो, मैंने बनाया यहां पे, एक किसी चीज का खुरदरा सतह है, खुरदरा सतह है यहां पे, एक सॉलिड है, सॉलिड है चारकोल है, मान लो चारकोल है। ठीक है, और इसको मैंने खुले में छोड़ दिया, इस चारकोल को, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, काला कलूटा होता है चारकोल जो होता है वो काला कलूटा होता है बिल्कुल, तो ये काले कलूटे सा सॉलिड सब्सटेंस जिसे हमने नाम दिया चारकोल, चारकोल के बारे में आगे बताऊंगा मैं, तो ये चारकोल है बच्चों। अब इसको खुले में रख दिए, तो रखने के बाद क्या हुआ कि इस पे हाइड्रोजन गैस H2 गैस आके इसके सरफेस पे जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाहरी सरफेस पे आके कौन जमा होना शुरू हो गया? हाइड्रोजन गैस। तो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर, समझना बात को, किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर किसी गैस या सॉलिड के मॉलिक्यूल आके जमा हो जाते हैं, या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आके जमा हो जाते हैं,
उस पे अट्रैक्ट होते हैं, उस पे जमा होते हैं, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो वही लिखा हुआ है, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जब कोई सबस्टांस का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है और उस पे जमा हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो चीज है बच्चों नया नया, एक वो सबस्टांस जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन की घटना हुआ, यानी चारकोल के सरफेस पे, चारकोल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आके जुड़ा, तो ये जो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हुआ, इसे हम बोल देते हैं बच्चों एडजॉर्बेंट। क्या बोल देते हैं? एडजॉर्बेंट बोल देते हैं, एडजॉर्बेंट। जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हुआ उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जो सबस्टांस का मॉलिक्यूल आके इसके सरफेस पे जुड़ गया उस सबस्टांस को हम लोग बोल देते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। तो थोड़ा सा का अंतर है, यहां पे है एडजॉर्बेंट और यहां पे है एडजॉर्बेट। तो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ उसे एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और जो मॉलिक्यूल आके जुड़ गया इसके इस पे अट्रैक्ट हुआ उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे। तो चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। पहली बात, एडजॉर्बेट किसको कहेंगे, एडजॉर्बेट किसे कहेंगे, एडजॉर्बेट किसे कहेंगे हम लोग? तो द मॉलिक्यूलर, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज दैट गेट एडजॉर्ब्ड दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। तो वह मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे आके एडजॉर्ब्ड हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है या कंसंट्रेट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, तो उस सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेट। और नेक्स्ट है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या होगा? तो आप लिख सकते हो द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो चलो फिर से समझ लो, एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जब कोई सबस्टांस आके अट्रैक्ट होगा या आके जमा हो जाएगा, तो इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब दो चीज इसमें आया, एक एडजॉर्बेट और दूसरा एडजॉर्बेंट। तो जिस मटेरियल के सरफेस पर, पृष्ठ पर, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल करके आपको बताता हूं, ठीक है, देखो ये जो मार्कर था व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसके सरफेस पे मैंने लगा दिया इंक, ठीक है, इंक का पार्टिकल इस पे क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, इस पे इंक जो है आके एडजॉर्ब हो गया, देखो। ठीक, तो ये जो सॉलिड है मार्कर, इसके सरफेस पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है, यानी इंक का मॉलिक्यूल, इस पे क्या हो गया, जमा हो गया, अट्रैक्ट हो गया, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एक सॉलिड के सरफेस पे
कोई दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल आके जमा हो जाए तो इस घटना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो चीज है, एक मार्कर जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हुई और एक इंक जो जाके इसके सरफेस पे जुड़ गया। तो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हुई बच्चों उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। द मेटेरियल मतलब वह पदार्थ ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी वह मटेरियल जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हुई उसे एडजॉर्बेंट कहेंगे, और द मॉलिक्यूलर स्पीसीज दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। और वह मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो इसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके अट्रैक्ट हो गया उसे हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो तीन चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया, एडजॉर्प्शन एक घटना हो गया, एडजॉर्बेंट जो जाके जमा हुआ, एडजॉर्बेंट जिसके सतह पे एडजॉर्प्शन की घटना हुई। तो लिख लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। यहां पे दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं उसके बाद फिर लिखेंगे। देखो इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl है, यानी पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलयन है, यानी इसमें वाटर में KCl का अमाउंट जो है बहुत अधिक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट 5% से ज्यादा होता है, तो इसमें KCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चों, यानी KCl का गाढ़ा विलयन है, सिंपल आप समझ लो। अब इसमें हम डालते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं बोन चारकोल, बोन चारकोल। ये बोन चारकोल क्या होता है, जैसे जानवर का जो हड्डी होता है उसको जलाएंगे हम लोग, तो जलाने के बाद जो बच जाएगा शेष अवशेष जो बचेगा यानी टुकड़ा जो बचेगा वो कोयले की तरह, उसको हम लोग बोलेंगे बोन चारकोल, ठीक है। तो इसमें बोन चारकोल का पाउडर फॉर्म में बोन चारकोल को ऐड करो तो होगा क्या बच्चों, बात को समझना। अब जो मेन बात है वो मैं बता रहा हूं कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl में, यानी KCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब आप बोन चारकोल को डालोगे, हड्डी का चारकोल डालोगे, तो होगा क्या कि चारकोल के सरफेस पर, चारकोल के सरफेस पर ये जो KCl है वो अधिक मात्रा में एडजॉर्ब हो जाएगा, जमा हो जाएगा, लेकिन उसके बल्क में, उसके आंतरिक भाग में कम प्रवेश करेगा, ठीक है। यहां पे एडजॉर्प्शन की घटना होगी और इसमें क्या होगा कि KCl जो सॉल्यूशन है वो KCl का अधिक मात्रा जमा होगा सरफेस पे, ऊपरी भाग पे, और इसके अंदर में इसके छिद्र जो इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे उससे अंदर में कम प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार का जो एडजॉर्प्शन होगा बच्चों इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब देखो यहां पे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसमें क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl है, ठीक है, और इसमें भी हमने ऐड किया बोन चारकोल, बोन चारकोल। तो जब आप इसमें बोन चारकोल ऐड करोगे तो यहां भी एडजॉर्प्शन की घटना होगा, और होगा क्या कि विलयन डाइल्यूट है, सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है यानी पतला है, पंचोछर सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा कि चारकोल के पृष्ठ पे कम जमा होगा और उसके आंतरिक भाग में, इंटीरियर पार्ट में ज्यादा प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह का जो एडजॉर्प्शन होता है इसे हम बोलते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन यहाँ पे हमने देखा कि दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव। तो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा उसे हम नाम देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और यहां पे जो होगा इसे हम नाम देंगे
निगेटिव एट जो ऑप्शन, निगेटिव एट जो ऑप्शन। तो चलो अब यहां पे लिख लेते हैं, पहला पॉजिटिव एट जो ऑप्शन, तो पॉजिटिव एट जो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, व्हेन व्हेन द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एडजोर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन इन बल्क बल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, तो आप लिख सकते हो व्हेन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन लेस इज लेस ऑन द सरफेस देन इन बल्क देन इन बल्क इज कॉल्ड निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो देखो दो तरह का एडजॉर्प्शन मैंने आपको बताया, यहां पे ऐसे कर लेना है, ये अलग है, एग्जाम्पल है दोनों का, पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे बच्चों, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, यानी कि जब एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन यानी जमा होने वाले सबस्टांस का मात्रा सरफेस पे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अधिक होगा और उसके बल्क में यानी इंटीरियर पार्ट में कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन निगेटिव एडजॉर्प्शन किसे हम बोलेंगे, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट यानी एडजॉर्बेट का अमाउंट मॉलिक्यूलर स्पीसीज का अमाउंट सरफेस पर कम हो और उसके बल्क में उसके इंटीरियर पार्ट में अधिक हो, तो उस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो बच्चों एक बात तो पहले आप समझ लो कि जब भी हम एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, यानी इस चैप्टर में कई जगह पे एडजॉर्प्शन का बात होगा आगे, तो एडजॉर्प्शन का मतलब आपको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही समझना है, क्योंकि एडजॉर्प्शन का असली मतलब होता है कि सरफेस पे जाके जुड़ना, ठीक है। ये जो बल्क में भी चला जा रहा है ना, तो ये एडजॉर्प्शन के साथ साथ एक और घटना यहाँ पे हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज सिर्फ सरफेस पे ही नहीं रहता बल्कि बल्क में प्रवेश कर जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना जब साथ साथ होती है तो उसे हम सोर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन का असली मतलब होता है कि सिर्फ सरफेस पे जमा होना, तो एडजॉर्प्शन का असली मतलब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही होता है, ठीक। तो इसमें सोर्प्शन भी संभव है किसी किसी मटेरियल में, कि ऊपर भी पृष्ठ पे भी जमा हो जाए और अंदर भी प्रवेश कर जाए, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। और जो सिर्फ पृष्ठ पे ज्यादा रहता है, सरफेस पे ज्यादा रहता है और बल्क में कम, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और सरफेस पे ही कम हो गया और बल्क में ज्यादा मॉलिक्यूल प्रवेश कर गया, तो उसको निगेटिव एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि जब KCl का गाढ़ा सोल्यूशन रहेगा तो बोन चारकोल के ऊपरी पृष्ठ पे ज्यादा जमा होगा और इंटीरियर पार्ट में कम जाएगा, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। वही KCl का पतला विलयन होगा, पंचोक्षर सॉल्यूशन होगा, तो अंदर ज्यादा प्रवेश कर जाएगा और ऊपर में कम रुकेगा। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोच के भी देख सकते हो कि ऐसा होगा कि नहीं, कि जब बहुत ज्यादा लिक्विड जो है गाढ़ा है तो सरफेस पे ही रुक जाएगा, ठीक है, अंदर प्रवेश ना करेगा। जैसे शहद का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और
इंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन जो बहुत पतला होगा जैसे पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दिया तो रिस रिस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ए एग्जाम्पल हो गया, लिख लीजिए। अब बच्चों हमने अभी देखा कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग किसी सॉलिड या लिक्विड के जो टॉप लेयर होता है, जो बाहरी पृष्ठ होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और किसी भी सॉलिड लिक्विड का जो टॉप लेयर होता है उसे हम सरफेस बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि लिक्विड के या सॉलिड को जो अंदर में पार्टिकल होते हैं वो चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं मॉलिक्यूल के द्वारा, इसके वजह से उस पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे कोई विशेष बात नहीं होती है, लेकिन जब हम वही सरफेस के मॉलिक्यूल का बात करते हैं तो तीन तरफ से तो अट्रैक्ट होता है अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर में और कोई मॉलिक्यूल नहीं रहता, जिसके वजह से ऊपर से वो अनबैलेंस महसूस करता है और वो चाहता है कि कोई मॉलिक्यूल आके और वहां पे जुड़ जाए, जिससे उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाए, कम हो जाए, और इसी वजह से होती है एडजोर्प्शन की घटना। अब ये एडजोर्प्शन मैंने बताया कि कोई सबस्टांस आके जुड़ता है, अट्रैक्ट होता है किसी के सरफेस पे, तो इस घटना को बोलते हैं एडजोर्प्शन, और जिसके सरफेस पे एडजोर्प्शन की घटना हुई उसको एडजोर्बेंट, और जो मॉलिकुलर स्पेसी जाके अट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एडजोर्बेंट, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एडजोर्प्शन दो प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन के बारे में, और फिर एब्जॉर्प्शन का जो मुख्य पार्ट है, जो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या नेचर होता है, और एडजॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, ये दोनों की हम लोग बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।